नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बेडूधर रौतिया आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन जो सिविल जज की एग्जामिनेशन यानी कि कल संडे को 26 फरवरी 2023 को ये एग्जामिनेशन हुई थी और आज 27 फरवरी 2023, यानी कि इसका मॉडल आंसर की जो है आ चुकी है। ठीक है, हम यहाँ पर पेपर भी देखेंगे, साथ ही साथ इसके आंसर भी देखेंगे, दोनों हमको देखना है। और मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ही बेहतरीन है, बेहतरीन। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं लगता है कि पिछले वर्षों में जो सिविल जज की जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके स्तर में बहुत सारे चेंजेस हुई है, बहुत सारे सुधार किया गया है। अब छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सिविल जज की एग्जामिनेशन है, जो पैटर्न है वो पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। देखिए, पिछले बार जब एग्जामिनेशन हुई थी उसका जो क्वेश्चंस हैं और अभी के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही डिफरेंट है। आप 2 साल 3 साल से कोचिंग सेंटर ज्वाइन किए और वहाँ की जो टीचर हैं उन्होंने जो आपको स्टडी कराया है वो पुराने पैटर्न के हिसाब से उन्होंने स्टडी कराया और आपने स्टडी किया और क्वेश्चंस पूछ दिया गया, ठीक है, नेट की तरह, IAS एग्जामिनेशन की तरह, ठीक है, और साथ ही साथ जैसे उत्तर प्रदेश में होता है उस तरह के लेवल का क्वेश्चंस पूछा गया है। आप देखेंगे क्वेश्चन जो है, ठीक है, क्वेश्चंस का जो लेवल भी देखेंगे तो आपको लगने लगेगा कि हाँ, इस बार हम लोग जो है ठगा महसूस किए, ऐसा लगेगा आपको। यानी कि सारे स्टूडेंट्स चिंतनीय हैं, चिंता कर रहे हैं कि इस बार क्या होगा, इस बार कटअप कितना जाएगा, है क्या मैं इस बार प्रीलिम्स जो एंट्री लेवल है वो मैं पास कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको बता दूँ, पिछले बार जब एग्जामिनेशन हुई थी तब उस समय जो कटअप मार्क्स है 99 चला गया था, 99%, यानी कि उस स्टूडेंट्स का केवल एक गलत हुआ था। ठीक है, कट ऑफ मार्क्स जो हाईएस्ट कट ऑफ मार्क्स था 99 था। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं ये सोच रहे होंगे कि इस बार तो मेरा 72, 75, 80 तक गया है, यानी कि 20-22 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है, तो उनको लगने लगा होगा कि कहीं मेरा जो है एंट्री लेवल के एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो पाएगा। ऐसा यदि आप सोच रहे होंगे तो मत सोचिए, इस बार का जो कटअप मार्क्स जाएगा ना बहुत हाई लेवल का जाएगा, हाई लेवल का नहीं जाएगा। आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। ये मेरे पास सीट ए है, देखिए, ये मैं आपको बता दूँ जो क्वेश्चंस पूछा गया है माइनर एक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। CPC, IPC, CRPC, आपने खूब मेहनत किया, खूब मेहनत किया, ठीक है, उसमें से प्रश्न बहुत कम आया है। ठीक है, जैसे आप सोच रहे थे कि अभी 2020-21 में सीजन लैंड लॉ रेवेन्यू जो है, यानी कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता चेंजेस हो चुकी है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है 1959 का, 1959 के अंतर्गत कृषि के बारे में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आपने कृषि वर्ष के बारे में पढ़ा, राजस्व वर्ष के बारे में पढ़ा, इमारती लकड़ी के बारे में पढ़ा, हो सकता है कि आप कृषि के बारे में नहीं पढ़े होंगे या पढ़े होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है। आप देखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछ दिया, छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 6 सन 2022 द्वारा 4/5/2022 में प्रतिस्थापित किया गया है। किसको प्रतिस्थापित किया गया है?
मैंने तो बताया था यूपी के बताया था, यूपी मैं भी पढ़ाता हूं, यूपी यूपी देखिए आया हुआ है सेक्शन यू और हिंदी में पी, यूपी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है। आप क्वेश्चन के स्तर को देखेंगे, आप पीछे चलते हैं, क्वेश्चन जो है आपको लगने लगेगा। हाँ, सेक्शन बेस क्वेश्चन भी पूछा गया है, सेक्शन बेस क्वेश्चन भी पूछा गया भाई। अंडर द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट टोटल शेड्यूलर, ये तो बिल्कुल कितना है बताइए, नॉन ऑफ द एबव 6, 5, 3 कितना है? इसमें भी बड़ा बहुत कंफ्यूजन हुए होंगे बच्चे जो है। ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चन तो बिल्कुल सही देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन का स्तर देखिएगा। आपके पास में 2 घंटा का समय है और क्वेश्चन कितना लेंदी क्वेश्चन पूछा है, जहां अंतकालीन लाभ की रकम का अभिनिश्चय डिग्री निष्पादन के दौरान के लिए छोड़ दिया जाता है, वहां यदि इस प्रकार का अभिनिश्चय लाभ दावाकृत लाभों से अधिक है। और मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन जो है अभी अभी पढ़ाया हूं, अभी 4 दिन पहले इसको मैं पढ़ाया हूं, 4 दिन पहले 100% मैं बता रहा हूं, यही क्वेश्चन बताया हूं। अंतकालीन लाभ की रकम का अभिनिश्चय डिग्री निष्पादन के दौरान के लिए छोड़ दिया जाता है, वहां यदि इस प्रकार का अभिनिश्चय लाभ दावाकृत लाभों से अधिक है तो क्या होगा, मैंने अभी अभी बताया है। यदि आप देखेंगे अभी अभी बताया हूं मैं, तो इसको ठीक से जो है आपको जो है डिग्री का निष्पादन रोक दिया जाएगा। डिग्री का निष्पादन तभी तब किया जाएगा जब वह अंतर संदत्त नहीं कर दिया जाता, वस्तुतः संदत्त फीस और उस फीस में से अभिनिर्धारित संपूर्ण। अभी हाल ही में पढ़ाया हूं, 4, 5 दिन पहले ही मैंने पढ़ाया। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन का स्तर जो है बहुत ही जबरदस्त आया है। ठीक है, ये यहां पर शुद्ध लाभ और बाजार मूल्य का प्रकरण तौर पर किया गया हो तो न्यायालय जितनी रकम अपर्याप्त है उतनी दिए जाने की अपेक्षा करेगा, बिल्कुल नहीं। तो यहां पर मैंने जो है इसको विस्तार से समझाया। ठीक है, बिल्कुल नहीं कि ये मतलब नया टाइप का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, जिन्होंने जो है सारे सेक्शन को पढ़ा है और ठीक से समझा है, देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, सत्य कथन ढूंढिए। तो दोस्तों आपको चिंता नहीं करनी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका जो कट ऑफ मार्क्स है याद रखिएगा, 70 से 80 तक कट ऑफ मार्क्स जाएगा, जनरल कैटेगरी का बता रहा हूं, अधिकतम 85। हर स्टूडेंट्स का 10 से 15 क्वेश्चन गलत होगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। देखिएगा ये सेक्शन कैसे पूछा है, परिसीमन अधिनियम का कौन सा प्रावधान निर्दिष्ट करता है कि जहां की किसी लेनदार की संपदा का प्रशासन पत्र उसके ऋणी को अनुदत्त कर दिया गया हो, ऐसे ऋण को वसूल करने के बाद की परिसीमा के चलते रहना तब तक निलंबित रहेगा। ठीक है, तो मेरा मेरा एक चीज मानना है कि इस तरह का जो क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने इसको भी बताया हूं भाई, मैं हाल ही में इसको बताया हूं, न्यायालय फीस अधिनियम कैसे हमको करना है, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 जो है इसको भी मैंने बताया कि ये क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको चिंता करने की बात नहीं है, जो हो गया हो गया। यदि आपका 70 से 80 के बीच में सही हो रहा है, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपका इस बार जो है एंट्री लेवल में आपका क्लियर हो जाएगा। और आप तैयारी कीजिए आपकी सेकंड पेपर का, जजमेंट राइटिंग, और मैं आपको तैयारी कराऊंगा। ठीक है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे ज़रूर संपर्क कीजिए। मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में ठीक है मोबाइल नंबर दे दिया हूँ, हमारे ऐप में आइए, मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों आपको चिंता नहीं करनी है, मेरे रहते हुए आपको आपको हर चीज़ सुविधाएं मिलेगी। ठीक है, जजमेंट राइटिंग मैं एक ट्रिक के साथ बताऊंगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका सही होगा, ट्रांसलेशन बताऊंगा मैं, हमारा प्रीलिम्स का जो आपका एंट्री लेवल का जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है जून जुलाई में, उसकी भी मैं तैयारी करवा रहा हूँ। आप मेरा नोट्स को देखिए, नोट्स को पढ़िए, ठीक है, आप 100% सफल होंगे। तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे, मुझसे संपर्क करना है तो जरूर संपर्क करें, डिस्क्रिप्शन में मैंने मोबाइल नंबर दे दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।